ओम वंदे गौ मातरम बंधुओं, लिखरो क्रांति से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक जोक इन दिनों आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, और उस जोक पर मुझे इसलिए बात करनी है क्योंकि ये हमारे लिए हंसने का नहीं लज्जा का विषय है। जोक क्या है आपको पहले वो सुना दूं। एक बच्चा अपनी कक्षा में लेट पहुँचता है। देरी से आने पर उसकी जो शिक्षक होती है उससे कहते हैं कि तुम रोज़ आजकल देर से आने लग गए हो, और जो देर से आते हो उसे सब डिस्टर्ब होते हैं। तो बच्चा जवाब देता है, इतनी चिंता मत किया करो, बाकी लोग बातें बनाते हैं। मित्रों, एक छोटा सा बच्चा ये जवाब अपने शिक्षक को देता है, इसका तात्पर्य क्या है? और लोग इस पर हंसते हैं। क्या सचमुच ये हंसने का विषय है? क्योंकि ये विषय मुझे उस विडंबना का लगता है, ये विषय मुझे उस शर्म से, उस लज्जा से डूबने का लगता है कि जहां एक बच्चे को माता पिता शिक्षक सब मिलकर इतना नहीं समझा पाए, इतना नहीं बता पाए कि किससे कैसे बात की जाती है। इसलिए लज्जा से डूबने का विषय है, हंसने का विषय नहीं है। क्योंकि एक बच्चे को यह पता होना चाहिए कि उसके शिक्षक हैं, उसके गुरु हैं, और गुरु से किस तरीके से बात की जाती है, पर उस बच्चे को नहीं पता है और उस पर सब लोग हंस रहे हैं और ऐसे जोक्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं, औरों को बताते हैं। क्या ऐसी बातें समाज में फैलाने लायक हैं? ये समाज में विस्तृत होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए? आप जरा सोचिए इस विषय पर, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे मानस खराब हो रहे हैं। आप सोचिए उस गुरु का सम्मान क्या बचा, आप सोचिए माता पिता का सम्मान क्या बचा, जब एक बच्चा अपने माता पिता से अरे यार ठीक है चलता है करता है कहता है। आपको बुरा नहीं लगता? मुझे तो बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे आयु का अंतर भूल रहे हैं, वो एक विषय है, लेकिन वो समानता ऐसी ला रहे हैं जिसमें उनको मात्र और मात्र भद्दापन चाहिए है। वो आजकल की फिल्में देखकर ना जाने क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, सीरियल से, फिल्मों से, सब उल्टी चीजें सीख रहे हैं। मित्रों, यदि आप अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो ऐसे जोक पर हंसना बंद करिए और इनका समाधान करिए। बच्चों को ऐसे बताइए कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा हानिकारक है। क्योंकि संबंधों की मर्यादाएं यदि खत्म हो गई तो हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है, किस खड्डे में गिर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और यदि हम नहीं समझे तो हमारा समाज खड्डे में गिरता चला जाएगा। इसलिए हमें क्रांति लिखनी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।